हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करूंगा और वो टॉपिक है स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A, ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के प्रोविजंस को रिवोक किया है, ठीक है, यानी स्क्रैप किया है, उसे हटाया गया है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि आर्टिकल 370 और 35A क्या था या क्या है, ठीक है, और ये जम्मू एंड कश्मीर से कैसे रिलेटेड है। साथ ही साथ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A के स्क्रैपिंग से क्या चेंजेज आए हैं, क्या बदलाव आए हैं, और जम्मू एंड कश्मीर का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमने सुना है, आपने सुना होगा कि आर्टिकल 35A एंड आर्टिकल 37 के प्रोविजंस को स्क्रैप करने के साथ साथ, ठीक है, पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो 5 अगस्त 2019 को बोले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पास किया। 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पास किया, ठीक है, और इस ऑर्डर के अंतर्गत आर्टिकल 370 के कुछ प्रोविजंस को स्क्रैप कर दिया गया, ठीक है, खत्म कर दिया गया, एंड साथ ही साथ आर्टिकल 35A को भी रिवोक कर दिया गया, ठीक है, खत्म कर दिया गया। अब यहां पे हम डिटेल में सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानेंगे कि आर्टिकल 370 का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यानी आर्टिकल 370 कब लाया गया और किस तरह से इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। उसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A क्या है, ठीक है, यानी आर्टिकल 370 एंड 35A जम्मू एंड कश्मीर को क्या स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम यहां पे टाइमलाइन ऑफ स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 देखेंगे। लास्ट में हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चलते हैं। आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर के जो किंग थे हरि सिंह, उनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, ठीक है। हरि सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिसके तहत जिन शर्तों पे कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था। और ये कब साइन हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ये एक शर्त रखी गई थी कि आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाएगा। आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाएगा और ये आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देगी, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की शर्तें थी। ओके, उसके बाद 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास किया गया, जैसे 2019 में ये जो ऑर्डर पास किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, जिसके अंतर्गत
आर्टिकल 370 के कुछ प्रोविजंस को और आर्टिकल 35A को स्क्रैप किया गया है, उसी तरह का एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 में प्रोमुलगेट किया गया था, लाया गया था, और जिसके अंदर आर्टिकल 35A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। अब हम यहां पे देखेंगे कि आर्टिकल 370 क्या है, ठीक है, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A क्या है। तो सबसे पहले आर्टिकल 370 की बात करते हैं। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, सबसे पहली बात, आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देती है, ठीक है, इट गिव्स स्पेशल स्टेटस टू JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ओके। दूसरी बात कि आर्टिकल 370 के अंदर एक प्रोविजन है जिसके अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू JNK, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होगी एक्सेप्ट आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370, ठीक है। तीसरा जो प्रोविजन है आर्टिकल 370 का वो है कि कोई भी गवर्नमेंट लॉ यानी इंडियन पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड किसी भी मैटर पे लॉ नहीं बना सकती है एक्सेप्ट डिफेंस इट लिमिट्स द पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट ऑन द मैटर ऑफ डिफेंस फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। यानी आर्टिकल 370 क्या बोलता है कि इंडियन पार्लियामेंट का जो पावर है जम्मू एंड कश्मीर से के रिलेटेड लॉ बनाने का, उसको लिमिट करता है। यानी आर्टिकल 370 क्या बोलता है कि इंडियन पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं बना सकती है एक्सेप्ट ऑन द मैटर ऑफ डिफेंस फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, यानी रक्षा, विदेशी मामले और कम्युनिकेशन, संचार, इसके अलावा किसी भी मैटर पे इंडियन पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर पे से रिलेटेड लॉ नहीं बना सकती है, या इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट डिफेंस फॉरेन अफेयर एंड कम्युनिकेशन, ओके। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्या है कि प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा, नेक्स्ट क्या है आर्टिकल 370 में,
आर्टिकल 370 में कि प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा किसी भी लॉ को जो कि इंडियन पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा किसी भी लॉ को जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल किया जा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया किसी भी लॉ को जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट का कंकरेंस चाहिए, यानी उनकी सहमति चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट की सहमति चाहिए। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। ओके, इसका मतलब आर्टिकल 70 जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है, साथ ही एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर का एक सेपरेट फ्लैग होता है। इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक कि वहां की गवर्नमेंट इसके लिए सहमत ना हो, और वो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ऐसा हम कर पाएंगे। नेक्स्ट कि इंडियन पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं बना सकती है एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। इसका मतलब आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक ऑटोनोमस स्टेट बना रही थी। ठीक है, आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक ऑटोनॉमी प्रदान कर रही थी, बट आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था। आर्टिकल 370 कैसा था? एक टेम्पररी प्रोविजन था, क्योंकि आर्टिकल 370 में ही लिखा गया था, आर्टिकल 370 के क्लाउज नंबर 3 में ही, आर्टिकल 370 के क्लाउज नंबर 3 में ही लिखा गया है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा आर्टिकल 370 को मॉडिफाई किया जा सकता है या उसे रिवोक किया जाता है जा सकता है। ठीक है, क्या लिखा गया है कि आर्टिकल 370 का जो प्रोविजन है, 370 का जो प्रोविजन है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा आर्टिकल 370 को मॉडिफाई या स्क्रैप किया जा सकता है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैन मॉडिफाई और स्क्रैप ठीक है, या फिर रिटेन आर्टिकल 370। आर्टिकल 373 के अंदर, क्लाउज 3 के अंदर ही ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इस आर्टिकल को मॉडिफाई किया जा सकता है या स्क्रैप किया जा सकता है या इसे रिटेन रखा जा सकता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ टेम्पररी प्रोविजन, इसीलिए इसे टेम्पररी प्रोविजन कहा गया है। और इसके आर्टिकल 370 क्लाउज 1 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 370 क्लाउज 1 में कहा गया है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड प्रोविजंस डाले जा सकते हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में
जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड प्रोविजंस को डाला जा सकता है, ठीक है, या उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। और इसी आर्टिकल के द्वारा 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है, तो उस ऑर्डर के द्वारा आर्टिकल 35A को इंसर्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी आर्टिकल 370 का जो क्लाउज 1 है वो बोलता है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड किसी भी प्रोविजंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया जा सकता है, डाला जा सकता है या उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। यानी आर्टिकल 370 क्लाउज 1 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो डाल सकता है या उसे मॉडिफाई कर सकता है। और इसी पावर का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1945 के द्वारा आर्टिकल 35A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था, ठीक है। तो यहां हम अब आर्टिकल 35A के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि आर्टिकल 370 का क्लाउज 1 क्या बोलता है, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड किसी भी प्रोविजंस को मॉडिफाई कर सकता है या फिर उसको इंसर्ट कर सकता है। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है कि इन कंकरेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट की सहमति के बाद ही प्रेसिडेंट ये ऑर्डर निकाल सकता है, ठीक है। ओके, तो इसी पावर का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट ने 1954 में एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर प्रोमलगेट किया, और इस ऑर्डर के तहत आर्टिकल 35A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। अब यहां पे हम देखेंगे कि आर्टिकल 35A क्या है। ओके, आर्टिकल 35A कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजनशिप को डिफाइन करता है। आर्टिकल 35A कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजनशिप को डिफाइन करता है। ओके, आर्टिकल 35A अलाउ द स्टेट लेजिस्लेटर टू डिफाइन द जम्मू एंड कश्मीर परमानेंट रेसिडेंस, ठीक है। आर्टिकल 35A क्या करता है, जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर को यानी वहां की विधानसभा को, ठीक है, वहां की विधायिका को यह पावर देता है कि वो जम्मू एंड कश्मीर के
परमानेंट सिटीजन को डिफाइन करें। ठीक है, तो आर्टिकल 35 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट सिटीजन नहीं है वो वहां पे उसका प्रॉपर्टी राइट नहीं है, यानी वो वहां पे लैंड नहीं खरीद सकता, वहां पे लैंड खरीदकर सेटल नहीं हो सकता। और वहां की कोई भी महिला है अगर वो जम्मू एंड कश्मीर से बाहर जाके विवाह करती है, मैरिज करती है, तो वो अपना सिटीजनशिप खो देगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 35 था। तो आर्टिकल 35 काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इंडिया के किसी भी टेरिटरी में घूमने और वहां सेटल होने का राइट दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 35A जो कि जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजनशिप से रिलेटेड है वो क्या करता है, वहां जम्मू एंड कश्मीर से बाहर के जो लोग हैं जो वहां के परमानेंट सिटीजन नहीं है उन्हें वहां का लैंड राइट नहीं देता है। ठीक है, यानी इस तरह से देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूअल सिटीजनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइमलाइन ऑफ स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है, यानी पूरा आर्टिकल 370 को स्क्रैप नहीं किया गया है, आर्टिकल 370 को खत्म नहीं किया गया है, उसके कुछ प्रोविजंस को हटाए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि स्पेशल स्टेटस वाला जो प्रोविजन है उसको हटाया गया है, आर्टिकल 35A को खत्म किया गया है। ठीक है, ड्यूअल सिटीजनशिप को खत्म किया गया है। ठीक है, और जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको खत्म किया गया है जम्मू एंड कश्मीर का, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को जम्मू एंड कश्मीर पे लागू किया गया है। ओके, अब यह टाइमलाइन ऑफ स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370। तो सबसे पहले क्या किया गया है, वहां पे क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया। आपको पता होगा कि प्रेसिडेंशियल रूल में आर्टिकल 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, और प्रेसिडेंट रूल में जो लेजिस्लेशन का पावर है, जो विधायिका, जो स्टेट लेजिस्लेचर का पावर है वो खत्म हो जाता है और लेजिस्लेशन का पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास चला जाता है। ठीक है, यानी इंडियन पार्लियामेंट स्टेट के लिए लॉ बनाएगी। दूसरा बात कि प्रेसिडेंट रूल में गवर्नमेंट का मतलब, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मतलब है प्रेसिडेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है स्टेट में, गवर्नर। इसका मतलब कि प्रेसिडेंट रूल में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मतलब है गवर्नर। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मतलब है गवर्नर। ओके, यहां तक आपने समझा, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। तो प्रेसिडेंट रूल में जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मतलब है गवर्नर। ओके, अब यहां देखिए क्या हुआ, दूसरा क्या किया गया, आर्टिकल 367 में अमेंडमेंट की गई, अब ये आर्टिकल 367 क्या है, आर्टिकल 367 ये इंडियन पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करे। आर्टिकल 367
सेकंड क्या किया गया, सेकंड क्या किया गया, सेकंड स्टेप क्या लिया गया, पहला स्टेप क्या था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगाया गया। उसके बाद आर्टिकल 377 में अमेंडमेंट किया गया, किसके द्वारा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा आर्टिकल 367 में अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट किया गया, उसके पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल 367 क्या है। आर्टिकल 367 कंटेन गाइडेंस ऑन हाउ टू रीड और इंटरप्रेट सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 367 क्या करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उसको हम कैसे रीड करें या उसे कैसे इंटरप्रेट करें, ठीक है। तो आर्टिकल 367 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, ठीक है, वो गाइड करता है 367। ओके, तो 367 में अमेंडमेंट किया गया और किसके द्वारा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, ठीक है। और इसमें एक क्लाउज इंसर्ट किया गया, इसमें एक क्लाउज इंसर्ट किया गया जिसमें यह बोला गया, जिसमें यह बोला गया कि आर्टिकल 373, आर्टिकल 370 के क्लाउज 3 में जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है, उसका मतलब है, उसका मतलब है स्टेट लेजिस्लेचर, उसका मतलब है स्टेट लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोला, आर्टिकल 367 में अमेंडमेंट करके एक क्लाउज इंसर्ट किया गया और इसमें बोला गया कि आर्टिकल 370 के क्लाउज 3 में जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है उसका मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। देखिए आर्टिकल 367 क्या करता है, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उसको हम कैसे रीड करेंगे, उसको हम क्या इंटरप्रेट करेंगे। तो आर्टिकल 367 के अंदर ही एक क्लाउज बनाया गया जिसमें बोला गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 में क्लाउज 3 में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्टिकल 370 के क्लाउज 3 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 370 के क्लाउज 3 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 370 को अमेंड किया जा सकता है, मॉडिफाइड किया जा सकता है, इसे स्क्रैप किया जा सकता है या रिटेन किया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। यानी आर्टिकल 370 को अमेंड करने का पावर किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, जिसने जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद खत्म हो गई थी, ठीक है। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहां से आएगी, इसीलिए अभी तक आर्टिकल 370 को अमेंड नहीं किया जा सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 367 के में को ही अमेंड कर दिया और इसमें एक क्लाउज डाला कि आर्टिकल 370 क्लाउज 3 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है वो, उसको हम क्या इंटरप्रेट करेंगे, उसको हम क्या रीड करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी आर्टिकल 370 क्लाउज 3 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है वो कुछ और नहीं बल्कि लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। अब देखिए यहां पे कितना इंपॉर्टेंट घटना हुई, और ये जो अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 370 में, ठीक है, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा किया गया। अब आपको मैंने बताया था, आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल 371 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया है कि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को पावर दिया गया है टू इंसर्ट और मॉडिफाई प्रोविजंस रिलेटेड टू
JNK इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 371 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करे या उसे मॉडिफाई करे, लेकिन विद द कंक्रेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नमेंट है उसके सहमति के द्वारा ही, मतलब उसके सहमति के बाद ही प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड किसी भी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर सकता है या उसे मॉडिफाई कर सकता है। तो उसी पावर का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा प्रेसिडेंट ने क्या किया, आर्टिकल 367 में अमेंडमेंट किया और जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड प्रोविजंस को इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, क्या इंसर्ट किया जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड प्रोविजन को, कि आर्टिकल 370 क्लाउज 3 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है वो कुछ और नहीं बल्कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब यहां बोला गया था कि आर्टिकल 371 में प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तभी ला सकता है जब वहां के गवर्नमेंट की सहमति हो। अब देखिए, उस समय जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। ठीक है, उस समय जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल था। तो प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, सेंटर का पावर हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मतलब हो गया गवर्नर, जो कि सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन हो गया, गवर्नर। तो गवर्नर के सहमति से प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर निकाला और उस ऑर्डर से आर्टिकल 367 को अमेंड किया गया और एक क्लाउज इंसर्ट किया गया जिसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 373 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है, वो कुछ और नहीं बल्कि वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली है। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो चुका था बहुत पहले ही, जब जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसने जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो खत्म हो गया। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम कहां से लाते, और जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं आएगा तब तक हम 370 को अमेंड नहीं कर पाते। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 367 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा अमेंडमेंट करके ये बोला कि आर्टिकल 370 क्लाउज 3 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है वो कुछ और नहीं बल्कि लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर का, यानी जम्मू एंड कश्मीर की का विधानसभा है। अब देखिए, ओके, विधानसभा है, यानी इसका मतलब कि विधानसभा, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वही आर्टिकल 370 को अमेंड कर सकती है। क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट रूल था तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो भी पावर था कानून बनाने का या अमेंडमेंट करने का, वो किसके पास चला गया, इंडियन पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास वो पावर चला गया, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट रूल था। प्रेसिडेंट रूल में स्टेट लेजिस्लेचर का सारा पावर, लॉ बनाने का सारा पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो यानी अब इंडियन पार्लियामेंट ऑन बिहाफ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेटिव असेंबली था उसके बिहाफ पे अब इंडियन पार्लियामेंट 370 को अमेंड कर सकती है। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट रूल है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और जम्मू एंड कश्मीर का जो लॉ बनाने का पावर है वो किसके पास चला गया, इंडियन पार्लियामेंट के पास, यानी इंडियन पार्लियामेंट अब 370 को अमेंड कर सकती है। तो इस तरह से इंडियन पार्लियामेंट के पास 370 को अमेंड करने का पावर आया और इंडियन पार्लियामेंट ने 370 के कुछ प्रोविजंस को स्क्रैप कर दिया, ठीक है, रिवोक कर दिया यानी खत्म कर दिया। उसमें क्या क्या प्रोविजन थे, जैसे कि स्पेशल स्टेटस ऑफ
स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर को, जैसे कि उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसका अलग ड्यूअल सिटीजनशिप होगा, ठीक है, वहाँ पे अपना, उनका अपना एक फ्लैग होगा, इंडियन पार्लियामेंट का कोई भी लॉ वहाँ पे लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस को खत्म कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया। ओके, तो हमने देखा टाइमलाइन ऑफ स्क्रैपिंग ऑफ 370। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, यानी अब इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाई जाएंगी, अब सब सारा लॉ जम्मू एंड कश्मीर में लागू होगा। साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी का पूरा प्रोविजन अब जम्मू एंड कश्मीर में लागू होगा, ठीक है। तो इसलिए इंडियन पार्लियामेंट ने द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया, ठीक है। इसके अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में डिवाइड किया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट का दर्जा था, एक राज्य का दर्जा था। इस राज्य को, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफर्केट करके एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी, दो यूनियन टेरिटरी बनाए गए, एक जम्मू एंड कश्मीर एंड दूसरा लद्दाख, ठीक है। लेकिन ये जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ये विथ लेजिस्लेशन था, विथ लेजिस्लेचर, ये विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है, विदाउट लेजिस्लेचर, यानी यहां पे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर भी होगा, विधानसभा भी होगी, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी में दिल्ली और पुडुचेरी में वो यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन वहां पे लेजिस्लेचर है, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। साथ ही साथ क्या किया गया, साथ ही साथ आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, यानी बाइकैमरल लेजिस्लेशन था, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था हमारा, वहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को नल एंड वॉइड कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, अब वहां पे सिर्फ क्या रहेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। ओके, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर में यानी जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में वन हंड्रेड एंड सेवन सीट्स रखे गए, जिसमें से 24 सीट्स को वैकेंट रखा गया है, 24 सीट्स को वैकेंट रखा गया है, और ये सीट्स कहाँ बिलोंग करते हैं, जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो इंडियन टेरिटरी है, लेकिन पाकिस्तान उस पर कब्जा किए हुए है, उसके लिए 24 सीट्स को रिजर्व रखा गया है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जम्मू एंड कश्मीर जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी पहले, ठीक है, 5 अगस्त 2019 से पहले जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसका टेन्योर 6 साल का था। लेकिन अब जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यानी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसका टेन्योर अब 5 साल का होगा, जो कि दूसरे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में होते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये काफ़ी पेचीदा इशू था, जिसे मैंने कोशिश किया है बहुत सिंपल तरीके से समझाने का, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियोस और भी आगे मैं बनाता रहूं। ओके, थैंक यू।